ऐसे ऐसे पंडितों का मैं नहीं समझती हूँ जो लड़कियों का रेप करे, जो लड़कियों का अपहरण करे, जो लड़कियों का मर्डर करे औरतों के साथ। अगर मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदारी शासन और प्रशासन रहेंगे। कि क्यों कि मैं प्रशासन से 2 साल चिल्ला रही हूँ। अरे दैया, जब वो योगी बाबा गुंडा नहीं रहते तो इतनी गुंडाई राज होता है। पंडित और ठाकुर सब इतनी गुंडा गर्दी करते हैं, घर में ले निकलना मुश्किल। घर में घुस घुस के मार रहे हैं, सबको भगाओ बुलडोजर चला के। सब कुछ है हमारा, यही चल रहा है यहाँ। तो मेरे ऊपर मुकदमा लगेगा, आप सुन लीजिएगा, बहुत जल्द हमें मार दिया जाएगा। ये क्या कायदा है कि किसी के घर में घुस करके किसी का सामान फेंकना, इज्जत लूटना, कपड़े फाड़ना, मारना औरत को, क्या ये एक न्याय वाली बात है? क्या ऐसा आदमियों को ये करना चाहिए? जो दोषी वार है, जो हमारे मुजरिम हैं, उनको सजा दी जाए, हमारे ऊपर से ये मुकदमे हटाए जाएं, नहीं तो हम अपने पति और अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ लगातार लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सबसे पहले मैम, क्यों यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? कुछ ही महिलाएं आप लोग दिख रही हैं, और यहाँ सामने मैं बैनर देख सकती हूँ, आपको पढ़ के बता देती हूँ। महिला जन उत्थान समिति द्वारा पीड़ित महिलाओं की रक्षा हेतु, सोचिए महिलाओं की रक्षा हेतु धरना प्रदर्शन हो रहा है। आखिर ऐसे क्या हो गया मैम, महिलाओं की रक्षा को आखिर ऐसी क्या आ जा रही है जो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा और लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा। किस तरीके का? हमारे मोदी काका कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी जब घर में नहीं बच रही है तो पढ़ाए कहाँ से, क्यों नहीं बच रही बेटी बचाई? अरे वो उनका से बचे तब तो, उनकी जो चेला चमेटा है मोदी काका के, मोदी काका का जितनी चेला चमेटा है मेन अत्याचार वही कर रहे हैं। कौन चेला चमेटा है? अरे उन्हीं के पार्टी के लोग, रामाकांत है, रोली है, ऋषि है, सब पांडे हैं, पांडे ही पांडे सब जोड़े हैं, और सब पांडे ही सब अत्याचार कर रहे हैं। बताइए इनके केस में पांडे है, मेरे केस में पांडे है। क्या केस है आप लोगों का? हमारे बिटिया के साथ अपहरण हुआ था, 2 लड़की के साथ, और जब नकाबंदी हुआ कानपुर से कनौ तक से, तो हमारे बिटिया के माने रोड पर फेंक करके वो लोग भाग चले। तब हमारे बिटिया कैसे कैसे मतलब कह करके वहाँ से आई, निकल आई यहाँ पर, बस पकड़ करके फिर आई। उसके बाद में भी FIR दर्ज हुआ है, मगर नाम दर्ज नहीं हुआ है, बेनाम के FIR दर्ज हुआ है। बिना नाम के FIR दर्ज हो गई है। हाँ, जो कि लड़की ने बयान दे रही है बार बार। हाँ। अब बार बार बयान दे रही है, कोर्ट में भी बयान दी है लड़की ने नाम सहित, मगर नहीं, वो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। एक दिन हमारे लक्ष्मी थो गोसाई के लिए है, तो गोसा में कही भी कि हम मार देंगे अंकल जी, उन लोग के गिरफ्तार करिए, हम रास्ता में निकल रही हूँ तो हमको आग गरोड़ के देख रहे हैं। बताइए योग यहाँ के कानून क्या है दिल्ली के, कि लड़कियों के ऊपर किसी ने आँख उठा के ताक दिया तो कौन तो धराए चलता है यहाँ पर? नहीं, घूरने पे ही कानून है। हाँ कानून है, 7 सेकंड तक घूरने पर ही कानून है, कानून है यहाँ पर। हाँ, लड़कियों के। हाँ, मगर वहाँ पर कुछ नहीं, घूरने के क्या उठा के ले गए, वो कह रहे कोई आप कोई गिरफ्तारी है नहीं। 363 लगी है धारा, उसके बावजूद में कह रहे इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस कह रही है इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। अपहरण हो गया कोई बात नहीं है, मर्डर हो जाना चाहिए, पुलिस कह रही है ऐसा। जब मर्डर होता कुछ होता तब ना गिरफ्तार करते, ऐसे क्या गिरफ्तार करें, किस चीज में गिरफ्तार करें, ऐसे पूछ रहे हैं। तो बताइए अब इसको कहां से आए हैं आप? हम लोग थाना चकेरी से हैं, कानपुर नगर से। कानपुर से यहाँ दिल्ली आई हैं आप? कानपुर नगर थाना चकेरी से हम लोग हैं। तो कानपुर में आपकी आवाजें बुलंद नहीं हुई, वहाँ पे किसी ने सुनवाई नहीं? वहाँ नहीं कोई सुनेगा, वहाँ उठा के जेल बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे सुनाने की? यहाँ भी जब हम आए हैं तो हम कानपुर से चुपे निकल के आए हैं कि वहाँ के लोग जाने ना। आज भी जो हम आप लोग के आगे बात रख रहे हैं, अगर वहाँ आवाज गया कानपुर में तो मेरे ऊपर मुकदमा लगेगा, आप सुन लीजिएगा, बहुत जल्द हमें मार दिया जाएगा, बहुत जल्द।
हम मारने की बात कर रही हैं खुलेआम। हाँ, खुलेआम कह रहे हैं वो लोग, खुलेआम कह रहे हैं हमारे दोषियों। मैं आपसे क्या कहें, हम ये आवाज़ अपनी आत्मा से निकाल रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। योगी जी ने महिलाओं के लिए इतना कुछ करा होगा, या तो बंद कर दिया जाएगा हमें, या तो मुकदमा लगा के झेल दिया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा। ये इतना जरूर होगा वहाँ, ये आवाज़ वहाँ पहुँचा था, अभी ना पहुँचते काम नहीं होगा। आवाज़ तो पहुँचाना है ना, हम आवाज़ पहुँचाने के लिए तो यहाँ आए हैं ना, तो हमारे कोई डर नहीं है। योगी जी का तो बुलडोजर चल रहा है। अगर मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदारी शासन और प्रशासन रहेंगे। ये क्यों कि मैं प्रशासन से 2 साल चिल्ला रही हूँ, 2 साल चिल्ला रहे हैं। पहले भी मेरे लड़की के साथ एक रेप करके मर्डर हो चुका मेरे कमरे के अंदर, उसके में मैंने सजाए हुआ, बहुत बहुत मेहनत की है। उस समय हमारे मीडिया वाले भाई सब लोग मिलकर बहुत मदद किए थे, अब मालूम ना कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ बिक गए, कहाँ हो गए, अब भगवान जाने की केस में क्या हुआ है। उस केस में तो इन लोग के सजाए हो चुका है, सजाए हो चुका। उसके बाद हमारे साथ बहुत 7-8 घटनाएँ हो चुका, वो बिटिया के केस के बाद हमारे साथ 7-8 कानपुर में इस तरीके की घटनाएं आप बता रही हैं। हाँ, कानपुर में योगी बाबा जी ने इतना गुंडई राज पे जो है कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल शिकंजे में हवन कर रखा है पूरा। महिलाएं सुरक्षित रात में गहना पहन के जा सकती हैं। अरे बाप रे बाप, योगी बाबा गुंडा नहीं है क्या? योगी बाबा गुंडा है? नहीं, अरे दैया, जब वो योगी बाबा गुंडा नहीं रहते तो इतनी गुंडई राज होता? पंडित और ठाकुर सब इतनी गुंडा गर्दी करते हैं, घर में ले निकलना मुश्किल, घर में घुस घुस के मार रहे हैं। ब्राह्मणों के इतने पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्यों ब्राह्मणों के पीछे पड़? इतना अच्छा लोग हैं वो, आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा ला दे रहे हैं। हाँ, महिला सुरक्षित है। हम लोग भी मंदिर है मेरा भी, मैं भी भगवान के मानती हूँ। मैं ऐसी भगवान के नहीं जो एकदम बिल्कुल अत्याचार करने वाला नाली के कीचड़ा, ऐसे ऐसे पंडितों का मैं नहीं कुछ समझती हूँ जो लड़कियों का रेप करे, जो लड़कियों का अपहरण करे, जो लड़कियों का मर्डर करे औरतों के साथ। खुद पीड़ित है, इनकी बेटी के साथ हो चुका है। मेरे साथ खुद हुआ है मेरे बहन, मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। योगी बाबा इतना ऐसी ऐसी केस में योगी बाबा आके देखे, एक बार आम आदमी के भेष में आके देखे। मैं दे रही 20 केस देंगे अभी के अभी, 20 केस देंगे। हिंसा करने वालों के घर तोड़ दिए जा रहे, बुलडोजर चल दे रहा है, चला दे रहे हैं। हाँ, उसी का होगा, बस बुलडोजर चला दो, सारे दुनिया हो गया हमारा, सबको भगाओ बुलडोजर चला के, सब कुछ है हमारा, यही चल रहा है यहाँ। उनकी तो होगा ना सब कुछ, हमारे घर ढा देंगे, आपके घर ढा देंगे, उनकी घर ढा देंगे। बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रही है कानपुर में इस तरीके से गुंडा राज है, अरे योगी बाबा के पास गई है अपनी ये प्रस्ताव लेके, मुर्दाबाद पहुँचे आप, प्रशासन के पास गए हैं आप लोग? अरे वो कहाँ सुनेंगे, वो सुनेंगे थाने में, वो सुनेंगे थाने वाले, कोई जांच करते, सब कुछ होगी चुका है। आला अधिकारियों तक एप्लीकेशन दिए गए, कोई सुनवाई नहीं। क्या कुछ कहना चाहती है? कहना यही चाहिए। आप कहाँ से आई हैं पहले बताइए? कानपुर नगर से, मैं पूजा निगम। कानपुर से आई हैं आप भी? आप सभी लोग कानपुर से आए? जी जी, हमें भी न्याय, क्या कुछ हुआ है पीड़ित आप लोग बोल रहे हैं? 29 तारीख से न्याय नहीं मिला है हमें भी, 29 तारीख से न्याय नहीं मिला है, और ऊपर हम लोग खुद दोषी वार हम लोग बना दिए गए, झूठे मुकदमे हम लोगों के ऊपर क्रॉस केस हम लोगों के ऊपर ही लगा दिया गया है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर से ये मुकदमे हटाए जाएं झूठे, और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। क्या चीज़ के मुकदमे लगे हैं आप लोगों पे? हम 29 तारीख की सुबह हमारे घर में घुस करके हमारे घर का सामान ऊपर के किराएदारों ने हमारे घर से फेंक दिया। क्या ये क्या कायदा है कि किसी के घर में घुस करके किसी का सामान फेंकना, इज्जत लूटना, कपड़े फाड़ना, मारना औरत को, क्या ये एक न्याय वाली बात है? क्या ऐसा आदमियों को ये करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अगर योगी आदित्यनाथ जी से हमारी यही प्रार्थना, यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्या आपने सिर्फ, हमने भी तो आपको वोट दिए हैं, क्या पंडितों ने ही आपको वोट दिए? क्या हमने आपको वोट नहीं दिए? हम भी तो जय श्री राम करते हैं। मैं भी तो पंडित घर की हूँ,
निगम घर में, निगम से हमारी शादी हुई है, हम भी तो पंडित हैं, हमने भी तो जय श्री राम के नारे लगाए, पर मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ कि आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया, ऊपर से हमने लोगों को दोषीवार बना दिया गया। तो जय श्री राम के नारे लगाने से क्या मतलब है आपका? जय श्री राम के नारे लगाने मतलब ये है कि क्या, जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते पंडित साहब, उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, हम लोगों के साथ क्या गलत आप होगा? लोगों के लिए तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए तो वो सड़कों पे उतर रहे हैं। 29 तारीख से यही चीज तो हमें नहीं दिखी क्या? हमने भी तो वोट दिया है, उनकी जो अच्छे काम थे उनकी हम लोगों ने भी तो तारीफ की है, पर हमें तो आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। 29 तारीख से मैं पीड़ित हूँ, जैना ये महिलाएं जनता, ये महिला जनता इन्हीं के साथ हम रह रहे हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है और हमारा सामान भी पता नहीं कहाँ है, उन लोगों ने कहाँ फेंक दिया सारे सब कुछ, तो उन लोगों ने क्या नहीं किया उसके सबूत है हमारे पास, जिसकी अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई तक नहीं की है। ये किस चीज की फोटो? ये उन्हीं लोगों ने मारा पीटा हमें। किन लोगों ने? मैं पहले नाम मोहन मिश्रा, रतन मिश्रा, वर्चस मिश्रा, अशोक मिश्रा, सारे मिश्रा हैं। हाँ, विनोद शुक्ला इनमें इन्वॉल्व हैं, ये सब काम कराने वाले यही हैं, ऊपर से पॉलिटिक्स का दबाव प्रेशर में जो कि हमारे खिलाफ़ मुकदमे दर्ज करे गए हैं। तो हमारी आदित्य योग माननीय आदित्य योगीनाथ जी से यही मेरी प्रार्थना है कि हम पर से झूठे मुकदमे हटाए जाएँ और इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके सबूत हमारे पास हैं, मैं दिखाना चाहूँगी जो हमारे साथ हुआ है। ये सामान घर के हमारे पति बच्चों के ना रहने पे फेंका गया जी जी, ये हमारी चोटें हैं जो हमें मारा गया, घसीट घसीट के मारा गया, ये मैं थाने भाग के गई पर कोई कार्रवाई 29 तारीख को इसकी नहीं हुई। पकड़िए, ये मैं इंसाफ मांग रही थी, फिर भी आदित्य योगीनाथ जी की सरकार में इंसाफ तुरंत मिलता है, पर हमें 29 अप्रैल से आज तक, आज छठा महीना चल रहा है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला और ऊपर से हमें अरे खिलाफ क्रॉस मुकदमे लगा दिए गए कि हम अपना मुकदमा वापस लें, तो वो हम जबरदस्ती की जा रही है मुकदमे वापस जिंदगी में नहीं करेंगे, आत्मदाह हमें करना पड़ जाए वो हम कभी नहीं करें, जो दोषीवार है, जो हमारे मुजरिम हैं उनको सजा दी जाए, हमारे ऊपर से ये मुकदमे हटाए जाएं, नहीं तो हम अपने पति और अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगे। आप खुलेआम बोल रही हैं आत्मदाह करने की, आपको पता है इसमें धारा लगती है? कोई बात नहीं, अरेस्ट कर लिया, जब हम मर गए तो किस बात की धारा, जब हम मर गए तो किस बात की धारा, मर कैसे गए? अभी तो आप इंसाफ मांग रही हैं, इंसाफ पे नहीं मिलेगा, योगी बाबा पे आपको भरोसा नहीं है, सरकार पे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, हम झूठे आरोपों में क्यों घुटे मरे, हम क्यों घुटे मरे झूठे आरोपों, जो हमने किए ही नहीं है। क्या कुछ के लिए ये सब हुआ है आपके साथ? ये सिर्फ मकान खाली कराने का, सिर्फ मकान खाली कराने की वजह से हमारे साथ ये सब करा गया। कौन लोग थे ये जो मकान खाली करवाने आए? अशोक मिश्रा, मोहन मिश्रा, कौन है ये लोग, मतलब कोई पदाधिकारी है? नहीं कुछ नहीं, ये किराएदार है वहाँ के ट्रस्ट के। अच्छा, इन लोगों ने ये सब किया, ट्रस्ट के किराएदार हैं वहाँ के, तो वो लोग आपके मकानों पे कब्जा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? ये वहाँ पे यही करते हैं, बहुत से घर हैं जो इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, विनोद शुक्ला भूमाफिया इन्होंने भी कर रखा है, बहुत सी जगहों को कब्जा, जो लोग कमजोर हैं उनको वहाँ पे दबाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, यही सब वहाँ होता है। अभी और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। आपकी भी कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं जी, आपकी कोई समस्या नहीं है, क्यों आई है फिर यहाँ पे? अरे मैं ये आई हूँ कि मैं जो इन लोगों के साथ, मैं सचिव हूँ इस संस्था की, और जो इन लोगों के साथ मतलब वो हो रहा अन्याय, तो अन्याय मिल सके, इसलिए न्याय मिल सके जी, उसके लिए आप लोग आए हैं, बच्चे बच्चे लोग को भी आप लेके आई हैं? हाँ जी, अन्याय हो रहा तो आना ही पड़ेगा। सारे आप कानपुर से आए हैं? हाँ जी, कानपुर से आए। अच्छा, ये देखिए और भी जो है यहाँ पे महिलाएं हैं, जो आप सामने देख सकते हैं लगातार यहाँ पे महिलाएं कानपुर से आई हुई है, दूर दूर से आई हुई है, जो बता रही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए, न्याय की आवाज उठाने के लिए ये लोग आई हुई है। आप भी कानपुर से आई? हाँ, हम क्या कुछ हुआ है आपके साथ भी? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग महिला जन उत्थान समिति से आए हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उससे मोदी सरकार से या हमारे समाज सरकार से
न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्या कुछ अन्याय हो रहा है? इतना कुछ तो सही कर रही है सरकार, महिलाओं के लिए काम कर रही है। योगी बाबा का लगातार जो है ऐसे हिंसा करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है, आप बोल रही हैं कि इस तरीके से हो रहा है। अगर न्याय हो रहा होता तो हमारी महिलाएं यहाँ नहीं आती। जब हम लोगों को कानपुर में न्याय में नहीं मिला है तब हम लोग दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। यूपी में तो सबसे अच्छा न्याय का जो है प्रतीक माना जा रहा है योगी बाबा को, अच्छा खासा न्याय किया जा रहा है वहाँ पे, बुलडोजर के तहत न्याय किया जा रहा है। बुलडोजर के तहत न्याय किया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर के तहत भू माफिया का न्याय किया जा रहा है, महिलाओं का न्याय नहीं किया जा रहा है। महिलाओं का न्याय किया जाता तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में भू माफियों के लिए आई है या फिर महिलाओं पीड़ित महिलाओं की वो जो अभी ये बता रही है कि उनके कुछ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए दिल्ली से, कानपुर से दिल्ली आए। और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हम लोग चाहते हैं आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आपके साथ भी हुआ है कुछ? नहीं, हम लोग कोई, आप इन लोगों के साथ आए? साथ लोग। कौन आरोपी लोगों की बात कर रहे हैं? जैसे इन पूजा जी के आरोपी हैं, ममता जी के आरोपी हैं, इन सभी के उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सारे आरोपियों को यहाँ पे जो है कितना दिन यहाँ पे रहेंगी और गिरफ्तारी की मांग करेंगी? आपने प्रशासन से गुहार लगाई वहाँ पे, आपने सारी एप्लीकेशन वगैरह दिए? हाँ, सब कुछ किया है। और ये हमारी जब तक अध्यक्ष जी चाहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो प्रशासन से आपको वहाँ पे क्या मिला अगर आपने वहाँ गुहार लगा? कुछ नहीं मिला, प्रशासन से कुछ नहीं मिला। कोई भी किसी भी तरीके की आपको सांत्वना नहीं? कोई सांत्वना नहीं मिली। क्या कहा, क्या गया? कहा गया है कि यहाँ की एप्लीकेशन अभी आगे दी जा गई है, बस एप्लीकेशन आपके आगे फॉरवर्ड की जा रही है, ये कहा गया है। बाकी न्याय अभी कहीं से नहीं हम लोगों को मिला है। आप लोग भी उसी में ही? तो आपने देखा ये किस तरीके से महिलाएं हैं जो कानपुर से आई है यूपी, जो सबसे ज्यादा बढ़िया उत्तर प्रदेश को माना जाता है, योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, योगी बाबा न्याय करते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसी शहर से ये महिलाएं आती है कानपुर से। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से ये पीड़ित महिलाएं अपने दुख दर्द की कहानी सुना रही हैं, दास्ता सुना रही हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके से मारपीट की गई है, इनके घरों के जो सामान है वो फेंक दिए गए हैं। किस तरीके से ये हो रहा है किसी देश के, और किसी देश में नहीं हो रहा है, ये इसी उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में ये सब हो रहा है। जी हाँ, और वही योगी बाबा जो लगातार बताते हैं कि न्याय किया जा रहा है, महिलाओं के लिए काम करते हैं, लगातार महिलाओं की हक अधिकार की बात करते हैं, तो ये फिर कौन सी महिलाएं हैं जो लगातार या गुहार के लिए बैठी हुई है और सरकार सो रही है? ये वही महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई है। और योगी बाबा कहते हैं कि रात के 12 बजे भी जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, गहना पहन के रातों में निकल सकती है, तो ये वो कौन सी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार गुहार लगा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है और बैठी हुई है? और जो सत्ता में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, इनकी जो मांगे हैं, डिमांड है, वो सुन ही नहीं रहे हैं, उल्टा इन्हीं को ही आरोपी जो है साबित कर दिया जाता है और इन्हीं के ऊपर मुकदमा चला दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इन्हीं से अभी जो है मैंने बात की, इन्हीं लोगों ने बताया। आप देख सकते हैं किस तरीके से कानपुर में गुंडा राज और बुलडोजर राज की राजनीति चल रही है, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से न्याय हो रहा है देश में, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।